तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है तो चैनल चबादी पर। मेरा नाम है पमियर, वेलकम टू आवर कार मैक्स गैरेज के अंदर। और ये देखो भैंस की बैग हवा के अंदर तैर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, गेम के अंदर कूड़ा छकना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना कूड़ा उठाओगे आपको उतने एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे। और आपको पता है गेम के अंदर एक्सपी पॉइंट्स इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपको आई दबा के दिखाऊं ना, तो मेरे अभी फिलहाल पॉइंट्स हैं 0 और मेरा नेक्स्ट पॉइंट अनलॉक होगा जब मैं ये हिट करूंगा 50 पर, और अभी मेरा चल रहा है फिलहाल 37 पर। भैंस की दुनिया भर का कूड़ा मैंने उठा के रखा हुआ, लेकिन मेरे पॉइंट्स अनलॉक नहीं हो रहे। बट एनीवेज ब्रो, ये रहा अपना ऑफिस थड्डा, एकदम शानदार भाई। ये फीचर ना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। और यार मेरे को अपना ऑफिस अभी बंद करना, क्योंकि मेरे पास बेचने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं है। जितने भी गाड़ियां मैंने खरीद कर रखी थी सारी हमने बेच दी, और वो भी प्रॉफिट पर। तो गाइस आपको बता रहा हूं, बिच्चू गैंग के बंदों ने अभी तक एक भी गाड़ी लॉस पर नहीं बेची। तो काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं मार्केट प्लेस के ऊपर, क्योंकि मेरे को अभी नोटिफिकेशन आ चुका है कि आज मार्केट प्लेस खुला हुआ है और आज मेरे को गाड़ी बाय करनी है मार्केट प्लेस से। और भैंस की आंख भाई, ये देख रहे हो लैम्बोर्गिनी यहाँ पर लगी हुई है। अरे ये तो वीरा दी हट्टी वाली लैम्बोर्गिनी है, और इसका साइड वाला डोर भी जो है थोड़ा बहुत स्क्रैच हो चुका है। वैसे गाड़ी है बहुत जबरदस्त यार। मेरे पास पैसा फिलहाल है $19,356, लेकिन अगर मैं अंकल जी से बात करूं तो प्लीज थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दे, $4,50,000। सर जी $4,50,000 तो बहुत ज्यादा है, बट आई थिंक $15,000 में हम डील मार सकते हैं। ये मेरे को जूते मार के बाहर निकालेगा। ये देखो, अनफॉर्चुनेटली योर ऑफर इज टू भाई, समझ गया, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है भाई। उसके साथ आती है एक और गाड़ी। भाई ये कौन सी गाड़ी है यार, कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी गाड़ी है। ऑब्वियसली GTA 5 में खेलता हूँ तो वहाँ पर मेरे को यहाँ वहाँ दिख जाती है, लेकिन उसको मारते गोली। भाई ये देख रहे हो, आई थिंक इन लोगों ने पुराने जमाने की BMW लेके ना फुल ऑन कस्टमाइज करके रखा हुआ इस गाड़ी को। अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस जान के देखूं तो ऑब्वियसली हमारी हैसियत के फिलहाल बाहर नहीं, इतनी बाहर नहीं है भाई। मेरे पास है 19,000 और ये बेच रहा 24,000 में। सर जी एक काम करते हैं, इसे डील मारने की कोशिश करते हैं। आई थिंक 18,000 इस गाड़ी के लिए एकदम बेस्ट होंगे। लेट मी टेक अ मिनट टू थिंक अबाउट इट। अरे आई एम सो सॉरी भाई, दिस प्राइस इज नॉट सूटेबल फॉर यू। ओ माय गॉड यार, ये पुराने जमाने की क्लासिक गाड़ियां मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आती है यार। लिटरली डॉन फिल्म की गाड़ी मेरे सामने आ चुकी है। सर ओके नॉट सर, आंटी प्लीज, आपके लिए गाड़ी बहुत ज्यादा लंबी है। अगर हम इसकी 77, हाँ, और मेरे लिए प्राइस इसकी बहुत ज्यादा लंबी है। आई थिंक ये वाली गाड़ी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये थोड़ी बहुत मॉडिफाइड ऑलरेडी है। देखो इसके सस्पेंशन भी एकदम से इन लोगों ने लो करा के रखे हुए हैं, और टायर भी एकदम कस्टमाइज वाले हैं। तो अगर मैं थोड़ी बहुत इसके ऊपर खर्चा करूँ तो ये बहुत अच्छा प्राइस देगी मेरे को। 7,000 की आंटी जी मांग रही है। तो आंटी जी काम करते हैं, ना आपकी ना मेरी, 6,000 ठीक है। बिच्छू गैंग के लिए 6,000 इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई। ओके 6,500 ठीक है, 6,500 इज फाइनल, गुड डील। आंटी जी देखो, नखरे मत करो, भैंस की ले 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 ले, पैसा ले और दे मेरे को गाड़ी, लेट्स गो। और अभी इसको भाई 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 क्या चिंगारियां मार दिया यार, ये वाली गाड़ी तो एकदम नाइस है। कस्टमाइज करने से पहले ना मेरे को यहाँ पर एक और चीज दिखी है जिसका नाम है बार। एक काम करता, सबसे पहले मेरे को वहां पर जाना है भाई, थोड़ा बहुत दिमाग ठंडा करने का यार। हम बहुत गर्मा गर्मी से ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं बार के अंदर जाऊंगा ना तो पूरे पैसे वेस्ट करके आऊंगा। तो एक काम करता, सबसे पहले तो पूरा पैसा गाड़ी के ऊपर खर्च करते हैं, सस्पेंशन भी इसके लो कर दो, और जो पैसा बचेगा वो हम बार के अंदर खर्च करेंगे भाई, चिल करेंगे, एकदम से मस्त वाली चिल आएगी। और इस बार नंबर प्लेट मेरे को लगाना टैक्सेस का, ठीक है। व्हील्स भाई बहुत सारे ऑप्शन देकर रखे हैं लोगों ने व्हील्स के। अरे ये वाले 5,000 के भाई, कितने मस्त। अरे ये वाले तो मेरे रियल लाइफ के व्हील्स हैं, कितने के 3,000 के, इतने तो मैंने नहीं लिए असली में। तो ये देख रहे हो उसका सामने वाला बम्पर और साइड वाला डोर और पीछे वाला बम्पर थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है, तो मेरे को फटाफट से ना वो भी यहाँ पर रिपेयर करवा लेते हैं। $700 लेकर तो रिपेयरिंग करने के, भाई पागल है क्या तू, लेकिन चल कर अभी ये भैंस की पूरी चिंगारियां निकाल दी गाड़ी की तो इसने यार। आई थिंक ये कूड़ा यही लोग फेंक रहे हैं, ये देखो वही बैग वही टायर वही पीपे वही कैन के डब्बे, ये नूबड़े बंदे अपना कूड़ा चक्के वहां पर लेके आ रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रो, आधे हूं गड्डी नीचे कितनी रिपेयरिंग कर रहा है भाई, इतनी डैमेज भी नहीं थी, क्या रिपेयर कर रहा है भाई। एंड लीजिए ब्रो, अपनी गाड़ी एकदम से रिपेयर हो चुकी है, और अब भी मेरे को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करनी। अभी जितना डैमेज होगा ना तो उतना नुकसान भी होगा। एक बार फिर से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और लगाते हैं फटाफट से इसको सेल के ऊपर। जितने की मैंने गाड़ी ली थी ना तकरीबन मैंने उतना खर्चा कर दिया इसके ऊपर। तो अगर मैं 17,000 के लगाऊं तो आई थिंक बेस्ट प्राइस होगी ये। हेलो आंटी जी, अच्छा साइड से गाड़ी देखनी आंटी ने। तो अगर मैं आंटी के ऊपर क्लिक करके देखूं, कम ऑन आंटी प्रॉफिट करवा दे आज तो भाई, पूरे प्राइस में 13,000 भाई, नुकसान करवा रही है, निकल यहाँ से। मेरे को लगता है कि आंटी दूध लेने जा रही थी, मैंने प्राइस चेक करने आ गई।
टाइम पास करने के लिए। आंटी जी आप फिर से क्यों आ चुके हो यार, एक शॉप के अंदर दो बारी आ चुके हैं वो भी सेम गाड़ी देखने के लिए। अभी कितना देर है, 14,500। ओके 13,500 मैंने इसके ऊपर खर्चे हैं, तो फिलहाल 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करते हैं आंटी जी, एक काम करते हैं 16,000 में गाड़ी आपकी। देखो एकदम फैंटास्टिक ऑफर है, मेरे को पता आपके हस्बैंड को ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। वुड यू बी विलिंग टू लोअर द प्राइस अ बिट? ना तेरी ना मेरी, 15,000 में डील ठीक है। द प्राइस इज बॉदरिंग मी, जस्ट अ मिनट। गाइस लेट्स गो, प्रॉफिट एकदम बढ़िया हो रहा है यार। और अभी चलते हैं ब्रोस थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के लिए बार के अंदर। भाई मैं कब से ये ऑप्शन देखता हूँ लेकिन मैं कभी गया नहीं अंदर। एंड फाइनली ये रहा, ओह माय गॉड कितना मस्त है। वैसे अगर देखा जाए ना तो बैंसकी रेस्टोरेंट है बहुत पीजी, बाहर लोग खड़े होके और बैठ के खाना पीना खा रहे हैं। हेलो चाची जी कैसे हो भाई साहब, क्या मस्त जगह बना के रखी है इसने। और अगर मैं अंदर जाके देखूं तो ये तेरे को पता है अंदर इलीगल गैम्बलिंग चल रही है अंदर। क्या मैं अंदर जाके गैम्बल कर सकता हूँ? अरे मैं खेल सकता हूँ। क्या खेल क्या रहे हैं? ब्लैक जैक खेल रहे हैं भाई, इसके अंदर अपना हाथ थोड़ा बहुत टाइट है। ये क्या खेल रहे हैं? पोकर, आई थिंक ये वाली पोकर खेल रहे हैं। दोनों सेम गेम खेल रहे हैं। तो काम करते हैं, मुझे सबसे पहले बैट लगानी है $100 की। हम शुरुआत करेंगे छोटे से एंड स्टार्ट। मेरे को तो पता भी नहीं कि गेम एक्चुअली कैसे खेलते हैं, हिट या स्टैंड, मेरे को पता नहीं। ओके हिट, मेरे पास 9 है, उसके पास 8 है। कम ऑन हिट, 15-22 आ चुका है। लॉस कैसे? आई थिंक मेरे को 8 लेके आना होता है। एक काम करता, बड़ा हाथ मारता, छोटे मोटे से अपना गुजारा नहीं होने वाला ब्रोस। हम करेंगे बड़ा हाथ, बड़ा काम करो या घर जाओ। एक बार फिर से स्टैंड करते हैं, मेरे को पता नहीं क्या हुआ। लॉस कैसे हो चुका है यार? अभी आता है ब्रोस अपना पूरा बिजनेस दांव पर, लेट्स गो। अभी गेम अपने हाथ से निकल चुकी है, अगर ये मैच में हार गया ना तो मेरे को पूरी गेम अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी। कम ऑन विन। अभी मेरे को लगाना एक बार फिर से फुल, भाई फुल लगा दो, स्टार्ट गेम, लेट्स गो। मेरे पास आ चुका है एस, उसके बाद आ चुका है। अच्छा मैं समझ गया, मेरे को आई थिंक 21 लगाना पड़ेगा। अगर मैं एक बार फिर से हिट दबाऊं तो मेरे को दूसरा कार्ड देंगे। अभी मेरे पास आ चुका है 16। अगर मैं अभी गेम कैंसिल कर दूं तो क्या मैं जीता? प्लीज, अभी मेरे को मैकेनिक समझ में आ चुकी है। 20, व्हाट द हेल। ओके फाइनल, ठीक है फाइनल गेम भाई फाइनल। अभी लगा था पूरा, फिर से पूरा लगा था, पूरा पूरी गेम लगानी है। ओके मेरे पास आ चुका है 10 और अभी आ चुका है 18। अभी मेरे को ओनली खेलनी स्टैंड। कम ऑन ड्रॉ, ओह माय गॉड। एक बार फिर से ब्रोज, मैंने $20,000 यहाँ पर लगा कर रखे हुए हैं और गेम का फंडा मेरे को समझ में आ चुका है। बेसिकली गाइस मेरे को अपना स्कोर इस वाले बंदे से ज्यादा लेके जाना है और स्कोर 21 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसके पास है 10, मेरे पास भी 10। कम ऑन हिट, और अभी आ चुका है मेरे पास एस। या आई थिंक 21 हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर स्टैंड करूँ तो कम ऑन। वन लास्ट, ये फाइनल है अपनी। और आती है ब्रोस, हमारे पास एस आ चुकी है, डबल एस। ओके हिट एक बार फिर से लेते हैं, अभी करते हैं, एक बार फिर से हिट लेते हैं। 19, आई थिंक ये वाली गेम में मैं जीत जाऊंगा। प्लीज ड्रॉ, ये कैसे हो सकता है, बहुत ज्यादा क्लोज था। ये फाइनल गेम है ब्रोस, ये एकदम से फाइनल गेम है। 21 मेरे पास लगता है ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आई थिंक ये क्वीन है, तो ये हो गया अपना 13। एक बार फिर से हिट लेते हैं। 21, आई विन, मैं जीत गया, वो जीत नहीं सकता मुझसे। यस, और अभी आपको दिखाता हूँ पैसे, और अगर मैं अपना कैमरा नीचे मूव करूँ तो थरा। अपनी गेम का पूरा खर्चा भैंस की गैम्बलिंग से आ रहा है। तो चलिए ब्रो, छोटी सी बड़ी इतना काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। मेरे पास इतना माल आ चुका है ना, मैं लिटरली अपने लिए फरारी ले सकता हूँ। और मेरे को लगता है कि नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम यही करने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।